दोस्तों इस वक्त की सबसे लेटेस्ट खबर आई है, बीसीसीआई ने शेखर धवन को वनडे कैप्टन घोषित किया है। और बड़ी खबर यह है कि इस टीम में ना तो विराट कोहली, ना रोहित शर्मा और ना बुमराह खेलेंगे। इन सबको बीसीसीआई ने रेस्ट पर भेजा है। बीसीसीआई ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेले जाने वाले 3 वनडे के लिए टीम चुनी है, जिसमें शेखर धवन कैप्टन है और शेखर को टीम इंडिया की एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। और इसके आगे जो टीम है मैं आपको बताने वाला हूँ। रविंद्र जडेजा, ऋतुराज गायकवाड़, शुभमन गिल, दीपक हुड्डा, सूर्य कुमार यादव, सुरेश अय्यर, ईशान किशन, संजू सैमसन, शार्दुल ठाकुर, युजवेंद्र चहल, अक्षर पटेल, आवेश खान, प्रसिद्ध कृष्णन, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, तो ये वो नाम है जो बीसीसीआई ने चुने हैं वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेले जाने वाले 3 T20 मैचों के लिए। तो यह है बड़ी खबर कि शेखर धवन को टीम इंडिया की कमान सौंपी गई है और इस टीम में ना तो विराट कोहली और ना रोहित शर्मा जैसे प्लेयर्स मौजूद होंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आगे के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।